राजस्थानी फिल्म मजो आ गयो आज बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इसे देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक सिनेमा हॉल में पहुंचे। फिल्म में कलाकारों ने दर्शकों को काफी रोमांचित किया। सभी ने फिल्म को काफी पसंद किया। गोल सिनेमा हॉल में रिलीज हुई फिल्म को प्रमोशन करने के लिए फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार भी पहुंचे। बड़े पर्दे पर काफी वर्षों बाद आई राजस्थानी फिल्म को लेकर फिल्म के मुख्य कलाकार दीपक मीणा ने बताया कि दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आएगी। राजस्थानी फिल्म मजो आगे से बहुत उम्मीदें हैं। सिर्फ मुझे ही इस फिल्म से उम्मीद नहीं है, राजस्थानी सिनेमा से प्यार करने वाले हर इंसान को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। सर नरेंद्र जी, और ये फिल्म अगर चलती है राजस्थान में तो डेफिनेटली राजस्थान की जो सिनेमा है उसको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ राजस्थानी सिनेमा के लिए। भौरी तांडव, हुकुम थोर, कई फिल्में बनाई। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं आपने जी पहले भी बताया कि ई हाड़ौती की धरती पे चंबल मैया का चरणा के मायने मैं अगर एक गानों भी करी छूँ तो उमें भी मैंने अतरो ही प्यार मिलियो, चाहे वो तीतरी वालों हो चाहे पीढ़ी लुगड़ी वालों हो। और बहुत अरसा बाद राजस्थानी सिनेमा में पिक्चर आई जी को मैं इंतजार कर रही हूँ, जो 25 साल होगा मैंने मेहनत करता हुआ। पहली बार बड़ा पर्दा पे पन्निया से पटने आप देखवा को सौभाग्य प्राप्त हो लो आपने, और मैं भी और हमारे साथी कलाकार के साथ हमारे डायरेक्टर के साथ ज़बरदस्त मेहनत करी जी। तो मैं चाहूँगा कि आपका माध्यम से सभी एक बार वहीं आशीर्वाद दें और ये पिक्चर में देखें